आज जो 3 दिन का पेन डाउन स्ट्राइक का कॉल दिया गया है पूरे जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में, कोई भी रेवेन्यू सेंटर में ना बिल जनरेट होंगे, ना बिल बांटे जाएंगे, ना ही कोई कंज्यूमर ग्रीवेंस बिल्स को लेकर एड्रेस की जाएगी। पहले फेज में जो ये एजिटेशन स्टार्ट हो रही है, इसमें हमने एसेंशियल सर्विसेज को बाधित नहीं किया है। सभी जो हॉस्पिटल्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो मेंटेन की जा रही है, लेकिन जो हमारा ये प्रदर्शन है और जो हम कहना चाहते हैं, अपने आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो अनबंडलिंग के नाम पे कंपनीज को बनाने जा रही है, वो मुलाजमों के हक में कतई नहीं है। क्योंकि जो देश भर में हम देख रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी कंपनीज को बनाया गया, उनको अल्टीमेटली प्राइवेट हैंड्स में बेचना पड़ा और आज वो पूरे नुकसान में है, जो भी मुलाजिम वहाँ पे अनबंडलिंग के बाद कंपनीज में गए थे। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं, आपने जो भी प्लान बनाना है उसमें मुलाजमों को शामिलित करें, मुलाजमों को इंक्लूड करें। ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने इंक्लूड किया है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो स्पेशली 6 महीने की रिटायरमेंट के एंड पे वो खड़े हैं। जो चेयरमैन साहब हैं उनकी 1 महीने की नौकरी भी नहीं है, 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है सरकार को देने जा रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है, जो एम्प्लॉयज़ के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं, उनके 5 रिप्रेजेंटेटिव जम्मू से और 5 रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर से उसमें इंक्लूड की जाए, ताकि जो मुलाजमों के हक हैं, जो 20 साल से डेली वेजर आज काम कर रहा है, उसको रोड पे आने पे मजबूर नहीं किया जाए। क्योंकि जब तक उसकी रेगुलराइजेशन नहीं होगी, हमारे नीड बेस की सैलरी नहीं होगी, चाहे वो जेई है, ई है, AEE, उनके ग्रेड्स नहीं मिलेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।